नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, क्लासेस हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और शेयर करने के साथ साथ में वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, साथ ही साथ में शेयर भी उतना ही करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा टारगेट बेसिकली आगे जो आने वाली दो बहुप्रतीक्षित आपकी परीक्षाएं हैं, कौन सी? एक आपकी यूपीपीसीएस जो कि 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली है, और दूसरी जो आपकी सबसे बहुप्रतीक्षित परीक्षा जिसके लिए लाखों लाख फॉर्म फिल किए गए हैं, उसका नाम है आरओआर अर्थात समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा 2023। इन दोनों एग्जाम्स में, इन दोनों परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप हमारे कदम से कदम मिला करके आगे बढ़िए, डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि अगर आपको पीसीएस का एग्जाम देना होगा तो मेंस में भी आपके करंट अफेयर्स आएगा। और अगर आप जो है मुख्य परीक्षा का एग्जाम देंगे अगर आरओआरओ का, तो वहां पर भी करंट अफेयर्स जीएस के सेक्शन में आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि करंट अफेयर्स से आप जो है पीछे नहीं हट सकते हैं। ये अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा जो है सेगमेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखा करिए, साथ ही साथ में शेयर प्लीज कर दिया करिए। और वीडियो के अंत में जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं उसका आंसर भी आप लोग दिया करिए। ये संख्या प्लीज आप लोग बढ़ाइए, मेरी छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। आप लोग 1000 से ऊपर व्यूज हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी कमेंट्स लगभग 60-70 ही आप आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 60-70 लोग हैं, देखो एक बात ध्यान रखना, ये 60-70 लोग हैं अच्छे, मतलब सभी लोग अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप एक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रैक्टिस में शुमार हो जाता है और वो प्रश्न भी आपके दिमाग में बैठ जाता है। हो सकता है वो प्रश्न का उत्तर देने से आपके दिमाग में चीजें रह जाए और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, और अगर ना दो आप उत्तर तो शायद आप उस उत्तर को भूल जाओ और वो प्रश्न आपका गलत हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न का उत्तर जरूर दिया करिए, साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा का जो मैं अभ्यास प्रश्न आपको देता हूं उसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर किया करिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। उसके पहले पूर्व सूचना जो हमने आपको कल भी दी थी, आज फिर से मैं उसको दोहरा दे रहा हूं कि वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक मेंटरशिप प्रोग्राम डिकोड एग्जाम की तरफ से चल रहा है। आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग जो है आपके 15 फुल टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि क्या होंगे, बायलिंगुअल होंगे। और इसके अलावा इसकी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की आपका जो है व्याख्या रहेगा, इसमें इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। और लगभग जो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 7000 प्रश्नों के माध्यम से जो है पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, रिविजन कराया जाएगा अपने आप में। यह बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ में जो है जो टारगेट भी आपकी चीजें रहेंगी वो चलती रहेंगी, जो ट्रेंड है आयोग का उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती रहेंगी। कल भी हमने आपको बताया था, लगातार 3-4 दिनों से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा अपने आप में। ओवरऑल अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को देखोगे तो आप ये पाओगे कि दरअसल इसमें बहुत सारे प्रश्नों से आप क्या होगे, एक बार गुजर जाओगे, यानी कि एक तरीके से ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको प्रिलिम्स परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए एक ही तरीका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितना ज्यादा आप गुजरोगे, सबसे बड़ा तरीका है ये, जितने बहुविकल्पीय प्रश्न आप लगा सकते हैं, चाहे वो आपके पीवाईक्यूज के प्रश्न हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज के प्रश्न हो आपके, चाहे कहीं आपने नोट्स बनाए हो, या चाहे कोई अन्य पीवाईक्यूज की किताब हो, जितने पीवाईक्यूज को आप लगाओगे, घटना चक्र की पीवाईक्यूज हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके फायदेमंद होंगे। और जब आप पीवाईक्यूज को लगाइए तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर एक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ो तुरंत फट से ऑप्शन देख के कह दो कि ऑप्शन नंबर ए, नहीं। जब ए बी ऑप्शन आपके सामने दिया गया हो और अगर बी ऑप्शन सही है तो आप प्रश्न को पढ़ो और उसके बाद इस उत्तर को ढक लो अपनी कॉपी से, और उसके बाद खुद से सोचो कि दरअसल इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान रखना कि घटना चक्र जब आप पढ़ो तो उसके उत्तर को ढक लिया करो, पीवाईक्यूज को लगाओ या टेस्ट को लगाओ, उसके आंसर को ढक लिया करो, उसके आधार पर फिर देखो कि पर्टिकुलर जो है इसका आंसर क्या होगा। आप अपनी तैयारी को उस लेवल पे करो कि आपको दरअसल ऑप्शन देखने की आवश्यकता ना पड़े। जिस दिन ऐसा हो गया तब मानिएगा कि आपकी तैयारी क्या है, पूरी है। और अगर कोई प्रश्न आपके सामने दिया गया है और आप कहो कि सर ऑप्शन बताओ ए बी सी डी क्या होगा, इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑप्शन पूछ रहे हो कि ए बी सी डी क्या होगा, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी
पुख्ता रूप से नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन है। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो आप मुझसे कहो कि सर ऑप्शन दो आपसे कि ए बी सी डी क्या होगा। अगर ये पूछते हो मुझसे इसका मतलब कि आपने पढ़ाई तो की है लेकिन ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं की है या फिर आपको नहीं आ रहा तो क्या मारोगे। जैसे मैं कहूं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, आप आधा में प्रश्न बोलूं उसके पहले आपका उत्तर निकल आना चाहिए कि 5 जून सर इसका आंसर होगा, तब मानिएगा कि आपकी तैयारी क्या है पूरी तरीके से मजबूत तरीके से हो गई है। तो कोशिश यही करिए कि आपको जो है क्या हो उसके ऑप्शंस ना देखने पड़े, प्रश्न पढ़ने के साथ ही आपको जो है उसका उत्तर क्या हो मिल जाए, इस तरीके से तैयारी करिएगा। तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। डिटेल्स अगर आपको जानकारी चाहिए इस प्रोग्राम से, अगर आपको आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है संस्थान के नंबर पर। संस्थान का नंबर कौन सा है, संस्थान का नंबर है 9506742546 या फिर आपको व्हाट्सएप दूसरे नंबर पर भी आप कर सकते हैं जिसका नंबर है 6307495944, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको डिटेलिंग यहां से मिल जाएगी और उसके बाद जो है आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए आइए हम लोग बिना देरी के अब आगे बढ़ते हैं और कल हम लोग फटाफट क्या करते हैं रिविजन करते हैं। तो विश्व बाधिर दिवस बाधिर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, तो वो किया गया जर्मनी में, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कितने परसेंट रहने का अनुमान व्यक्त किया है, वो किया है 7%। और कल हमने आपको बताया था कि आरबीआई ने भी भारत की जीडीपी वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित की है, कितनी अनुमानित की है कल हमने आपको बताया था, आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कितना अनुमानित किया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तीन डेटा आप लोग इससे संबंधित तैयार कर लीजिएगा। एक डेटा आरबीआई ने, क्या आरबीआई ने, ठीक है, देखो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है आपकी वो 2024 और 25 के लिए व्यक्त की गई है, तीन संस्थाएं बड़ी संस्थाएं हैं, एक व्यक्त किया आरबीआई ने, एक व्यक्त किया आपका किसने, विश्व बैंक ने, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने, किसने व्यक्त किया भाई साहब, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और दूसरा जो डेटा जो अनुमानित किया गया वो किया गया आईएमएफ के द्वारा। ये तीनों दरअसल आपको पता होने चाहिए कि अभी हाल ही में भारत के लिए वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ इन तीन संस्थाओं ने जो व्यक्त किया वो कितनी कितनी है। वर्ल्ड बैंक ने तो 7% व्यक्त कर दिया है, आरबीआई का कल हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था और आईएमएफ का भी डेटा हमने आपको एक बार कराया था करंट अफेयर्स में, आप लोग इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, यही टास्क नंबर फर्स्ट है कि आप लोग इसको क्या करिएगा रेडी कर लीजिएगा। और इसी के साथ में जीडीपी क्या होती है यह भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपको जीडीपी के बारे में नहीं पता है तो जो यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स चल रहा है इस समय डेली शाम को जिसकी क्लासेज आती हैं वहां पर, जो मेरी इकोनॉमिक्स फर्स्ट या शायद सेकंड क्लास है उसमें हमने जीडीपी वगैरह को राष्ट्रीय वगैरह को समझाया है, तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं या नॉर्मली आप गूगल या यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पर जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज जीडीपी डालिएगा, आपको सामने चीजें आ जाएंगी, उस पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो जीडीपी आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ये टास्क नंबर वन है कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रुनेई की सुल्तान कौन है भाई साहब, ब्रुनेई की सुल्तान है हाजी हसनल बोल किया और ये चर्चाओं में क्यों है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहां पर हैं, ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण बोर्ड आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दे दिया है, वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो आपका सुंदर सा अच्छा सा कैपिटल है, राजधानी है कौन, भारत की राजधानी यानी कि नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनको दरअसल ये शक्ति प्रदान की गई है कि आपके पास जो है क्या है, आपके पास किसी भी प्राधिकरण बोर्ड आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार आपको अब मिल गया है, उनकी शक्तियों में क्या किया गया, इजाफा जो है कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहां पर विश्व शांत बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो महाराष्ट्र में किया, महाराष्ट्र के उदगीर में किया, पता होगा आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में विषाण युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, तो वो किया गया राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नई डिजिटल नीति का प्रावधान किया गया भाई साहब, तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और कल हमने आपको समझाया था कि अगर जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होते हैं,
जो प्रभावक होते हैं सोशल मीडिया के, अर्थात जिनके बहुत सारे क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो चाहें तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और नीतियों का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और उसके माध्यम से रीच के माध्यम से दरअसल उनको सरकार पैसा पे करेगी। यानी कि लगभग लगभग कहा गया है कि 8 लाख पर मंथ तक आप कमा सकते हैं, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास वरुण, भारत और किस देश के बीच का नौसैनिक अभ्यास है, तो ये बेसिकली भारत और फ्रांस के बीच का है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर हमने आपसे पूछा था, बताइएगा प्रश्न क्या था, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के प्रथम सप्ताह में किस देश की यात्रा पर थे, तो वो थे आपके ब्रुनोई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सभी लोगों ने इसका उत्तर क्या किया था, सही बताया था। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एंटी रेप बिल, जिसको हम अपराजिता नाम दिया गया है, को लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर केरल, तो यह चर्चाओं में रहा और मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। और अभी आप लोगों ने पश्चिम बंगाल कोलकाता रेप केस देखा होगा, विवादों में रहा था वो स्थान और सबने कैंडल कैंडल खेला, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह हुई कि बहुत ज्यादा कुछ इस पर प्रभाव दिखाई नहीं दिया। ठीक है, हालांकि हमने इस पर कई बार बोला है कि चीजें तब तक होनी चाहिए जब तक कि इस पर सख्त से सख्त जो है कानून के साथ साथ जब तक दोषियों को सजा इस पर प्रॉपर ना मिल जानी चाहिए। जब तक दोषी को सजा ना मिल जाए तब तक आपके कदम रुकने नहीं चाहिए, लेकिन विपदा यही है, समस्या यही है कि हम कुछ दिन तक इन चीजों को याद रखते हैं, उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं, फिर कोई नया मुद्दा हमारे सामने आता है, हम उस नए मुद्दे की तरफ चले जाते हैं, या हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। खैर, ये दुर्भाग्य हमारा कि हम ऐसी स्थिति में बार बार आते हैं और बार बार हम जो है कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन बार बार ये स्थिति उत्पन्न होती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके दो सबसे बड़े रीजन कह सकते हैं आप, हो सकता है इसी मामले पर आपके लिए निबंध भी लिखने के लिए आ जाए, तो इसके दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, दो सबसे बड़ा रीजन है इसका। एक मुद्दा आपकी शिक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं शिक्षा हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, वहां पर पेपर्स को सॉल्व करें और निकल आए, नौकरी लग जाए। अगर इस बिहा पे शिक्षा होगी तो हमारे भीतर नैतिक मूल्यों का समावेशन कतई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा, कहीं ना कहीं जो पारिवारिक विघटन है इस समय, ये वर्तमान में सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में है। हर घर में एक बच्चा अपने फोन में बिजी है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, माता पिता की जॉब की वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, ना वो अपने दादी दादा के पास रहते हैं, ना नाना नानी के पास जाते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज जो थे वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर संस्कार डालते थे, कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होती थी, शायद हमारे भीतर मूल्यों का समावेशन ज्यादा अच्छा होता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है तीव्र शहरीकरण, तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के फलस्वरूप परिवारों में विघटन हुआ है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और कई अन्य भी कारण इसके कहे जा सकते हैं, कोई दो ही कारण हालांकि नहीं है, लेकिन दो प्रमुख कारण हैं कि हमारे भीतर संस्कारों का समावेशन नहीं हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण पारिवारिक विघटन है, एकल परिवार का बढ़ना है, संयुक्त परिवार का टूटना है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है जो सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर आधारित है, संस्कारों पर, मूल्यों पर आधारित नहीं है। अगर कोई धार्मिक किताब अगर पढ़ाई भी जाती है कहीं ना कहीं, अगर कुछ कल्चरल बुक्स पढ़ाई भी जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर भी विरोध हो जाता है। ये सारे प्रमुख कारण हैं इन सब चीजों के, हालांकि सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एंटी रेप बिल, जिसको अपराजिता नाम दिया गया है, को लॉन्च किया गया है, इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन का नाम दिया गया है। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं, खाली आपको नाम याद रखना है बस। प्रावधानों के अंतर्गत अगर बात करें तो 21 दिन के अंदर क्या होगी, 21 दिन के अंदर जांच होनी चाहिए, जो भी रेप केस होता है उसमें अगर जो पीड़ित महिला है अगर उसकी वो एक्सपायर कर जाती है या कोमा में चली जाती है, ऐसी स्थिति में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस पर विवाद जो है उत्पन्न हो गया है, इस पर भी विरोध प्रदर्शन जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं किया गया है, सही ढंग से नहीं किया गया है। इसमें जो हाल ही में पारित जो 3 कानून थे, ठीक है, इसमें जो बीएनएस जो है इसमें भी संशोधन करके इस अपराजिता कानून को कड़ा करने की कोशिश की गई है, और ज्यादा जो है इसमें प्रावधान कड़े किए गए हैं ताकि दोषियों को सजा जो है सख्त से सख्त मिल सके। अच्छी पहले देखते हैं क्या है, ये पब्लिक स्टंट है या सच में सरकार ने किया है। उम्मीद करते हैं कि इसका जो है जो फल होगा, अर्थात इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा, और ऐसे केसेस पर बंगाल में जो है क्या होगी,
रोक लगाई जा सकेगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है। हालांकि इस पर टिक्का टिप्पणी आपको विशेष तौर पर नहीं करनी है, आपको राजनीतिकरण इसका नहीं करना है, सरकार ने कुछ कदम उठाया तो ठीक है, ओके ठीक है। चलो, भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहां पर किया गया, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन, बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भाई साहब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस। पेरिस इज द राइट आंसर। दैट मीन्स कि अभी हाल ही में भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार जो गोलमेज सम्मेलन है वो पेरिस में जो है दरअसल क्या हो रहा है, आयोजित हो रहा है, ठीक है। और पेरिस कहां है जानते होंगे, ऑप्शंस में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई, इसलिए आप लोग इसको क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है। हाल ही में भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन पेरिस में किया गया, पता होगा आपको। और यूनेस्को के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका पेरिस में है और अध्यक्ष कौन है, आद्रे अजोले इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। यूनेस्को के बारे में कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, प्रश्न पूछ जाता है यूनेस्को में शामिल हाल फिलहाल के कौन से स्थल हैं या कौन सी चीजें हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है पूछा जाता है। तो यूनेस्को से संबंधित प्रश्न जहां भी आपको देखिए आप उसको क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलो नेक्स्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो बताइए स्वाति सिंह, अपना यादव, डिंपल यादव या फिर बबीता चौहान, किसको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का क्या किया गया है, अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बबीता चौहान को। ध्यान रखिएगा अपर्णा यादव में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अपर्णा यादव को दरअसल क्या किया गया है, अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष चुना गया है, क्या, उपाध्यक्ष महिला आयोग का, किसका, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का, ध्यान रखिएगा। और बबीता चौहान को अध्यक्ष चुना गया, इनको उपाध्यक्ष और इनको वो, लेकिन चर्चाओं में अपर्णा यादव क्या है, ज्यादा चर्चाओं में है, ठीक है। चलो खैर, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष चुना गया है और बबीता चौहान को अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, याद रखना इसको। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको फटाफट। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसको, चारू चौधरी, ठीक है, एक नाम, और इनके साथ साथ में चारू चौधरी के साथ में अपर्णा यादव, यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में दो महिलाओं को चुना गया है, चारू चौधरी और अपर्णा यादव, और अध्यक्ष के रूप में बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। तीनों नामों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, यानी कि एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष, दो उपाध्यक्षों में से एक चर्चित नाम कौन सा, अपर्णा यादव का, और दूसरा कौन सी, दूसरा है चारू चौधरी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इनका कार्यकाल भाई साहब कितने वर्ष के लिए होगा, एक वर्ष के लिए होगा। और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की स्थापना वर्ष की, तो दरअसल उत्तर प्रदेश महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 2002 में। और अगर हम बात करते हैं इनके कार्यों की, कि दरअसल जो महिला आयोग होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की महिला आयोग हो या फिर उत्तर प्रदेश महिला आयोग हो, तो ये महिलाओं से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को ये क्या करती हैं, सुलझाने का प्रयास करती हैं। चाहे मामला किसी भी प्रकार का हो, आप जो है इनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होता है इनके साइट पे, आप राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की साइट पे जाइएगा, वहां पर इनका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग और जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग है अपने आप में क्या है, बहुत ही संगठित संगठन है, और निश्चित तौर पर इसका प्रेशर बहुत जबरदस्त होता है, और इस पर जो है कार्यवाही भी त्वरित रूप से की जाती है। तो अगर आपकी कोई शिकायत है, निसंकोच होकर के आप राष्ट्रीय महिला आयोग में जा सकते हैं या उत्तर प्रदेश महिला आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बातें महिलाओं के लिए खास जरूरी है, आप लोग इनको नोट डाउन करके रखा करिए, ये नहीं कि बस जो है इसे बैठे रहें। आपके हक की जहां बात हो, आपकी सुरक्षा की जहां बात हो, आप हमेशा अवेयर रहिए कि कोई आपके साथ कुछ किसी प्रकार का गलत ना कर पाए, और अगर ऐसा कहीं हो भी जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपके पास वो राइट्स आपके पता होने चाहिए कि आप अपने कंप्लेन को कहां कहां पर दर्ज करा सकते हो। जैसे कि हाल ही में हमने सी बॉक्स के बारे में चर्चा की थी, सी बॉक्स पर जाकर के अपनी शिकायत आप क्या कर सकती हैं, दर्ज करा सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी शिकायत किसी थाने में दर्ज नहीं की जाती है, अगर पुलिस आपका सपोर्ट नहीं करती है, या कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है जहां पर आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है किसी भी रूप में, आप राष्ट्रीय महिला आयोग या आप उत्तर प्रदेश महिला आयोग में जा सकती हैं। और ठीक इसी प्रकार से काम जो है मानवाधिकार आयोग भी करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार भी करता है, ठीक है, याद रखिएगा इन सब बातों को। चलिए, तो ये सब आपके राइट्स हैं, ठीक है, इन्हें आपको पता होना चाहिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है।
हाल ही में किस देश की जेल से लोगों के भागने पर करीब 129 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है, वो कौन सा स्थान है? ठीक है, तो फ्रांस है, भारत है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, या फिर सऊदी अरब है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा भाई साहब आपका सी ऑप्शन, जो वहां की एक जेल है, ठीक है, और उस जेल का नाम क्या है भाई साहब, उस जेल का नाम है मकाला केंद्रीय कारागार। मकाला केंद्रीय कार से करीब करीब 129 जो है कई लोग भागे, और उसमें से लगभग 129 लोग दरअसल क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, मारे गए। ठीक है, तो हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की जेल से लोगों के भागने पर करीब 129 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, और जेल तोड़कर भागने वाली संख्या लगभग 129 के आसपास है, याद रखिएगा इसको। और कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है वो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में क्या है, स्थित एक देश है, ठीक है, और जिसका कुछ भूभाग क्या है, अंध महासागर से मिलता है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप कहेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, याद रहेगा। चलो इसके अलावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कौन सी है, तो एक किनशासा इसकी क्या है, राजधानी है, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया, तो रियाद, नई दिल्ली, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रियाद, यानी कि सऊदी अरब के रियाद में हाल ही में अभी क्या हुआ है, भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको जस्ट बताया कि इस पर जो है बैठक का आयोजन रियाद कहां पर है, सऊदी अरब में है। बैठक कौन सी है, 6वीं नंबर की बैठक है, यह भी आपको याद रखना है। यह बैठक दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को के लिए क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। और आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में भारत और सऊदी अरब के बीच कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों के साथ साथ अन्य प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी दरअसल भारत के सपोर्ट में कई मुद्दों पर, कई पक्षों पर रहता है, और यह अपने आप में क्या है, बहुत ही अच्छी बात है, ये अपने आप में भारत के लिए क्या है, ये एक अच्छी न्यूज है सामरिक दृष्टि से और अन्य दृष्टिकोण से भी। इस उच्च स्तरीय वार्ता की अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत के सशस्त्र सेनाओं के प्रभारी कौन, संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद, और सऊदी अरब के रक्षा उपमंत्री कौन, मेजर जनरल सलमान बिन अवध अल हार्बी ने किया। कई बार क्या होता है, कोई बैठक अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर की होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता या भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछ लेता है। इसलिए ये दोनों नाम आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत की तरफ से कौन था, तो भारत की तरफ से जो संयुक्त सचिव हैं, सचिव अमिताभ प्रसाद हैं, और सऊदी अरब की तरफ से जो वहां के रक्षा उपमंत्री हैं कौन, मेजर जनरल सलमान बिन अवध अल हार्बी। तो ये नाम बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा नाम है, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिए, क्या, सलमान बिन अवध अल हार्बी, ठीक है, ये नाम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, और इनका भी नाम कौन से संयुक्त जो सचिव हैं, अमिताभ प्रसाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है, तो बेसिकली लखनऊ, हैदराबाद, बरेली, हरदोई, तो ये किया जा रहा है हैदराबाद में, ठीक है, कहां पर, हैदराबाद में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में हैदराबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन क्या किया रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। विषय क्या है, AI को, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबके लिए अनुकूल बनाना, ये क्या है, ये उस सम्मेलन की क्या है, थीम है, याद रखिएगा इसको। और तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया, इनके द्वारा दरअसल इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और ग्लोबल इंडिया, एक फैक्ट यहां पर और देख लीजिएगा कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था, आई थिंक जुलाई माह में किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि बताइए हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, आप तुरंत उत्तर देंगे, नई दिल्ली में। और यह जो शिखर सम्मेलन हुआ है कौन सा, कि 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, तो इसमें राज्य का नाम दिया रहेगा, तो राज्य में से आप जो है टिक लगा दीजिएगा कि जो है स्थान कौन सा रहेगा, हैदराबाद का, तेलंगाना का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और असम। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। तो हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचय संरचनाओं का क्या करना है, निर्माण करना है। आपको पता होगा जो रेन वाटर होता है, यानी कि जो वर्षा का जल होता है, क्या होता है, वो काफी मात्रा में वेस्ट हो जाता है, और उसके लिए जल संचयन करना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। गांव के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गांव में बारिश होती है तो गांव के जो किसान होते हैं फावड़ा लेकर के भीगते हुए, चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, वो भीगते अपने खेतों में जाते हैं और फावड़े से पानी की धार जो कि वेस्ट हो रही होती है उसको अपने खेतों की तरफ क्या करते हैं, उसको जो है नाली बना देते हैं, ताकि उनका पानी जो जो गिर रहा है सड़कों पर वो क्या हो, वेस्ट ना हो, वो क्या हो, उनके खेतों में जाए। या फिर वो क्या कहते हैं, तालाब बना देते हैं, पोखर बना देते हैं और रास्ता बनाते हैं कि पानी तालाब में जाए। तो आजकल क्या है ना, शहरों से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, गांव के लोग ज्यादा। और गांव के लोग शुरुआत से ही क्या रहते थे, जो है बुद्धिमान रहते थे। शहर के लोग बुद्धिमान नहीं होते, ध्यान रखना, वो तो बाइक पे हेडफोन लगा के बाइक पे सिटी मारते हुए चले जाएंगे, टैप का पानी गिर रहा है, गिरने देंगे, उनको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कहीं बीच में क्या कहते हैं कोई पाइप फट गई है, पानी बह रहा है, तो उनको कोई गरज नहीं को नगर निगम में कॉल कर दे, नगर पालिका को कॉल कर दे कि भाई साहब आके सही कर जाओ, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि हमारे गेट पर, हमारा गेट तो सूखा हुआ है, हम कहे करें शिकायत, हम नहीं करेंगे। तो ये जो है पढ़े लिखे, इनको मैं अक्सर जो है क्या बोलते हैं, बोला पढ़े लिखे डबल मूर्ख, ठीक है, कि बुद्धि मतलब बुद्धि से जो है आप क्या हो, अभी भी वही हो, यानी कि एक तरीके से आपके अंदर तार्किकता और बुद्धिमत्ता अभी भी नहीं आई हुई है, ठीक है। बात हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हासिल कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अपने ही तरफ से नहीं बुद्धिमान है तो क्या ही कीजिएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, शहर के लोग भी बुद्धिमान है, ठीक है, बुरा मत मान जाना, पता चले कहो कि हाँ जी आप तो शहर के लोगों को बोलते रहते हो ऐसे। हाल ही में कहां पर प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो अभी हाल ही में प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन दरअसल आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या हुआ, आयोजित हो रहा है, यानी कि आयोजित हुआ। तो इसको भी आपको ध्यान रखना, यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात थीम की करते हैं तो थीम इसकी क्या थी, सशक्त और सुरक्षित भारत। क्या? सशक्त और सुरक्षित भारत, शस्त्र बलों में परिवर्तन। ये क्या है, ये जो प्रथम आपका कमांडर जो सम्मेलन है उसकी क्या है, ये थीम है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1940, 1944, 1945 या 1952? आज ही इसका उत्तर दिया गया है, आप लोग बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्तर इसका दिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे मतलब कमेंट करेंगे। एक प्रश्न ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का ये प्रश्न है, जो कि पेपर सेकंड में जाएगा, कि ये आईआर का टॉपिक है और पेपर किस में जाएगा, ये पेपर आपका सेकंड, मुख्य परीक्षा पेपर सेकंड। प्रश्न क्या है कि भारत सिंगापुर संबंधों पर चर्चा कीजिए, ठीक, एक बात, एक फैक्ट। दूसरा, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिंगापुर यात्रा किए जाने के उपलक्ष्य में सिंगापुर भारत के मध्य हुए प्रमुख समझौतों पर चर्चा कीजिए। इसमें दो चीजें आपको लिखनी है, एक लिखनी है भारत सिंगापुर का जो संबंध है, तो इसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करिएगा, वर्तमान तक लिखिएगा, और करंट का टॉपिक भी इसमें जोड़ दिया है। कहा है कि जो अभी मोदी जी ने जो यात्रा सिंगापुर की है उसमें जो प्रमुख समझौतों पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वो हस्ताक्षर किए गए समझौते क्या हैं, उन पर भी आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये दो पार्ट में दरअसल आपका ये उत्तर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दरअसल क्या करेंगे आप, लिखेंगे पहले में आप इंट्रोडक्शन डालिएगा, इंट्रोडक्शन में जो पृष्ठभूमि है भारत सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, उस पर कुछ एक पॉइंट लिखिएगा, और उसके बाद जो है जो प्रश्न पूछा गया है उनमें जो है डिटेलिंग में आप चीजों को लिखिएगा, ठीक है, बाद में कंफ्यूजन ड्रा करते हुए वाइंड अप कर दीजिएगा, ठीक है। चलो कल इसको मैं समझा दूंगा एक बार, है ना। ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।